हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ कुकिंग बाय रूमी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज की हमारी रेसिपी है पिज़्ज़ा शॉर्मा सैंडविच। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये बहुत ही चीज़ी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है। चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चिकन को क्यूब्स में कट करके लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। दही को मैंने फेंट के लिया है। अब इसमें 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और अब हम इसमें 1/4 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी के जीरे का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और यहाँ मैंने 1/2 लेमन जूस लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब मैं इसमें 2 टीस्पून तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करके हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे और 1/2 आवर के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे क्लिंग फॉइल से रैप करके। मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। एक पैन में मैंने यहाँ ऑयल लिया है। अब मैं इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डाल के इसे कुक कर लूँगी। देखिए चिकन में अभी पानी है, हम इसे पूरा ड्राई कर लेंगे। ड्राई होने तक हम इसे और थोड़ा कुक करेंगे। चिकन भी हमारा तब तक अच्छे से कुक हो जाएगा। ये अब ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें चॉप ऑनियन ऐड करेंगे। और चॉप कैप्सिकम ऐड करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे हम लोग अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि जो कच्चा फ्लेवर है प्याज का और शिमला मिर्च का वो निकल जाए। ये मैंने नान लिया है, यहाँ पे इस पे केचप लगा रही हूँ। अब इस पे हम हमारी जो फिलिंग हमने जो रेडी की है चिकन की वो स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से सब जगह हम लोग फिलिंग लगा देंगे और अब हम इस पे चीज़ डालेंगे। यहाँ मैंने मिक्स चीज़ यूज़ किया है, प्रोसेस चीज़ और मोज़रेला चीज़। आप अपनी चॉइस से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हम चीज़ डालेंगे इस पे। अब हम इस पे दूसरा नान रखेंगे और इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इस पे हम मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। इस पे हम ऑर्गेनो ऐड करेंगे, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे ऑर्गेनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स। अब इसे हम
एक कढ़ाई में बेक कर लेंगे। अब डायरेक्ट तवे पे इसे ऐसा सेक सकते हैं और इसे ऐसे भी आप बेक कर सकते हैं। ये हमारा पिज़्ज़ा शॉर्मा सैंडविच सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।